हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भुआ भतीजा जोड़ी में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी हैं अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। वीडियो की शुरुआत से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम अपने गांव में तो नहीं हैं, एक्चुअली हम आज आए हैं अपने जिला मुख्यालय यानी बीकानेर। और यहाँ आने का भी हमारा एक विशेष उद्देश्य है, जो उद्देश्य हम आपको आगे बताएंगे। एक विशेष कारण से हम यहाँ आए हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कलेक्टर रेट है, कलेक्टर ऑफिस है यहाँ सामने, ये महाराजा गंगा सिंह सर्किल है। ये जो क्षेत्र है बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है। महाराजा गंगा सिंह जी ने बड़ा सोच समझकर इस क्षेत्र की बसावट की है, इसको बसाया है, क्योंकि यहाँ पर सामने कलेक्टर ऑफिस है और यहीं हमारा जो सूरसागर है, यहीं जूनागढ़ बसा हुआ है। तो बहुत सुंदर जगह हैं, जब भी आपको मौका मिले यहाँ आप ज़रूर आएँ। आज हम जिस उद्देश्य से आते हैं अब आपको वो बताते हैं। आपको ये जो बच्चे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है अभी हमारे सामने, हमारे साथ जो है, इस बच्चे को हम लेकर आए हैं और एक विशेष कारण है इसको यहाँ लाने का या इसका यहाँ आने का, कि आज इसे जो डीओ है हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअली ये आज का दिन है वो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा का दिन है, और राजस्थान सरकार में इस दिन को बच्चियों के लिए विशेष उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ हम आ गए हैं सूरसागर। मैं सीडीओ सर से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और बच्चियों को मोशक कह के उनकी हौसला अफजाई करें, मोटिवेट करें कि उन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त करके उसके हकदार भी है। तो सीडीओ सर प्लीज़। मेरे पास बोलने के कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये मैं कहता हूँ, माता पिताओं को जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो अपना तो नाम रोशन कर रही है, अपने अपने साथ अपने माँ बाप का और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही है, और इसके साथ साथ हमारे शिक्षा विभाग में बीकानेर जिले का भी नाम रोशन कर रही है। हमारी भी आंखें ऊपर उठती है कि हमारे जिले में ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो 98-95% नंबर प्राप्त करती हैं। बात है कि आज हम सब उस समूह के अंदर बैठे हुए अपने आप को बेहद ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, जो इस पूरे जिले की टीम है। पूरे जिले की टीम का मायना इस मायने में कि विभिन्न कैटेगरी की जो टॉपर बच्चियां हैं वो यहाँ पर विराजमान है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्कूल की कितनी ऊर्जा कुमारी होगी। आप लोगों ने अपने इस शैक्षणिक सत्र में और इससे पहले भी अपनी प्रतिभा का लोहा अपने विद्यालयों में भरवाया है, लेकिन इस मंच पर जिला स्तर पर आपको प्रियदर्शनी अवार्ड से जो नवाजा जा रहा है वो आपकी प्रतिभा और आपकी उपलब्धियों के लिए कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मैं नहीं मानता। अभी बहुत से पुरस्कारों की कतारें आप लोगों का इंतजार कर रही है, एक एक को ग्रहण करती हुई आप आगे बढ़ेंगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप लोगों को। निश्चित रूप से राशि के हिसाब से 1,00,000 रुपये की राशि आज के युग में कोई मायने नहीं रखती है। डीईओ सर और एडीओ सर के उद्बोधन के बाद पूरा जो हॉल था वो ऊर्जावान हो गया था। सभी बच्चियां बहुत मुस्कुरा रही थी, चेहरे पे प्रसन्नता झलक रही थी। सभी बच्चियों का सामूहिक फोटो खींचा गया और अपने आप में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही थी, मैं इस पल की साक्षी थी। यहाँ जो बच्ची आई है हमारे साथ वो सोनू भादु है, मेरे ही गांव के, मेरा छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव के एक निजी स्कूल पूनिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाली ये बच्ची, इसने पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। माँ सरस्वती की कृपा से इसे पहला स्थान मिला। इसने 96.60% अंक प्राप्त किए थे 12वीं कक्षा कला वर्ग में, और पूरे ज़िले में प्रथम होने की वजह से इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से नवाजा गया था। वो प्रियदर्शनी अवार्ड से नवाजे जाने वाली बच्चियों के लिए, ये 32 बच्चियां हैं जिनमें से 22 बच्चियां 12वीं क्लास से संबंधित हैं और 10 बच्चियां 10वीं क्लास से संबंधित हैं।
ये 32 बच्चियां अपनी अपनी कैटेगरी में जिले के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त बच्चियां हैं। इनको राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के अंतर्गत 1,00,000 रुपये से नवाजा गया है और इनको पारितोषिक स्वरूप एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है। 1,00,000 रुपये की धनराशि सीधे ही इनके अकाउंट्स के अंदर जमा हो जाएगी। साथ ही चूँकि अपनी कैटेगरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त बच्चे हैं तो इसके साथ गार्गी अवार्ड से भी नवाजी गई है। तो तात्पर्य है कि इनमें से अधिकांश बच्चियां दोनों पुरस्कार से लाभान्वित हुई है, बी ए दर्शनी अवार्ड साथ ही गार्गी अवार्ड। आपका नाम है? दयाशंकर डावतिया, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय बीकानेर। तो दोस्तों, ये जो सोनू भादू है, हमारे छोटे से गांव की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इस बच्ची ने एक गांव की छोटी सी स्कूल में पढ़ते हुए अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए किस तरह से पूरे ज़िले में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये सारी बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि अपने अगले वीडियो में मैं आपको सोनू की पूरी कहानी और उसके पूरे परिवार से रूबरू कराऊँ। आप भी जानें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे प्रतिभावान होते हैं, कितना सादा सरल उनका जीवन होता है। ये बच्ची महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती उदाहरण है। आज इसने BSTC में भी अपना सिलेक्शन करवा लिया है और ये बच्ची, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत आगे तक जाएगी। ईश्वर इसकी मदद करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो हमारा, जो सोनू के जीवन पर ही आधारित होगा, वो भी आप देख सकें।